सभी बोल राधा कृष्ण राधा कृष्ण क्योंकि जब तक हरिनाम अंदर जाएगा नहीं तब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, मन की शुद्धि भजन से। नानी बाई का मायरा एक ऐसी कथा है जो भी इसको सुनता है वो भावुक उठता है। भक्त नरसिंह जी का चरित्र इसमें दर्शाया गया है। नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन आगरा के नीलेश्वर महादेव मंदिर नील फोरेंस अपार्टमेंट सकंदरा में 3 दिन तक चला। कथा प्रवक्ता बिंदाचार्य महाराज द्वारा हो रहा है। आगरा के नील फ्लोरेंस निवासियों द्वारा मिलकर अपनी कॉलोनी स्थित मंदिर की द्वितीय स्थापना दिवस पर कराया गया। आज के दिन कथा समापन पर सुबह विधि विधान पूर्वक कथा समापन के बाद का हवन कर भंडारे का सफल आयोजन हुआ। पूरी कॉलोनी वासियों ने बड़ी संख्या में खुशी जताते हुए हवन और भंडारे का आनंद उठाया। नमस्कार सभी दर्शकों को, जैसा कि आप देखते रहते हैं इंडिया न्यूज 24 HD पे खबरों का सिलसिला चलता रहता है। अभी एक खबर और जोड़ने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम हम बैठे हैं आगरा में। आगरा में एक सनातन धर्म को लेकर कथा चल रही है और उसी कथा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में एक व्यास जी हैं, एक पंडित जी हैं जो कि मंदिर पर रहते हैं, मंदिर को देखते रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या है इस कथा का माजरा पूरा, क्यों ये कथा हो रही है और कब से कथा हो रही है, किस एवज में कथा कराई जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। वीडियो में बने रहें, सभी दर्शकों से मैं यही कहूँगा वीडियो को एक बार पूरा देखें, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें सनातन धर्म को लेकर सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलते हैं पंडित जी से मुलाकात करते हैं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, इस मंदिर पर आप कब से रह रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए इसको। अच्छा, जब कोरोना का लास्ट चल रहा था उस टाइम पे 3 अगस्त 2020 को इसकी श्रावण मास के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इस मंदिर की 2 साल पहले स्थापना हुई। हाँ, आज 2 साल इसको पूर्ण हो गए। अच्छा, तो पहली हम हर साल सभी नील फ्लोरेंस के भक्त जो हैं यहाँ के सोसाइटी के सभी हर साल कोई ना कोई भव्य प्रोग्राम होता है। जैसे पिछली बार जागरण हुआ था और भी यज्ञ वगैरह। पिछली बार जो जागरण हुआ था वो जागरण किसका करवाया था? ये देवी मैया के उपलक्ष में, देवी माँ का जागरण हुआ था। इस बार सबकी इच्छा थी कि भगवान, यानी इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी उस डेट में आप कुछ ना कुछ जागरण या भगवान का सनातन धर्म को लेके ऐसी कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं वार्षिक उत्सव के रूप में। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करवा? अभी इस टाइम पे भक्त नरसिंह का चरित्र का कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो ये नरसिंह का जो चरित्र का कथा का वर्णन है ये कैसे आपके दिमाग में आया, जबकि मूर्ति तो आप देवी माँ की लगा रहे हैं, है ना, और जो कथा हो रही है वो नरसिंह का भात जो कहते हैं उसमें कथा हो रही है, ठीक है, तो ये नरसिंह वाला कैसे टॉपिक? ये नरसिंह वाला ऐसा टॉपिक है, ये भगवान कृष्ण की जो अपनी भागवत की लीला है उसी में इनका एक छोटा सा वर्णन आता है। तो समय का अभाव कम होने के कारण जो अपनी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है वो 7 दिन का समय ना हो करके इसको छोटी सी कथा के रूप में भक्त भगवान कृष्ण के उन्हीं के चरित्र का वर्णन हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये कितने टाइम का है, कितने दिन का? ये 3 दिन का प्रोग्राम है हमारा, एक तरीके से चालू है। इसका समय है 5 बजे से 8 बजे तक। अच्छा, हाँ, कल इसका समापन है, शाम को संध्या भजन संध्या का प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा हमारा, उसके बाद भंडारा का प्रोग्राम है, ये सारी रात तक प्रोग्राम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं इनको करवा कौन रहा है? ये सभी नील फ्लोरेंस के भक्तगण मिलकर, पूरी सोसाइटी, इस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सब कुछ ना कुछ मिला के इसको। हाँ हाँ, सभी जितने भी भक्त हैं सब बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, सब अपना तन मन धन से, सभी लोग जितने भी नील फ्लोरेंस के, ये सेकंड वो हो रहा है। पिछली बार देवी मैया करवाया था, इस बार भगवान कृष्ण का, और अगली बार हो सकता है अखंड रामायण का, राम दरबार हैं, सभी हनुमान जी हैं, तो बारी बारी से सभी का अपना सभी का एक एक करके ले रहे हैं। हाँ जी, छूट ना जाए। हाँ हाँ, यही आपका जी 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 जी। अच्छा, इस जो सोसाइटी है इसको बने हुए कितना टाइम हो गया? सोसाइटी को तो लंबे समय बंद हो गए, इसको बना, जब हम विजयनगर में राधा कृष्ण मंदिर में सेवा करते थे उस टाइम पे हमें लगभग कितने साल हो गए? लगभग 10 साल तो हो ही गए। अच्छा, 10 साल से यहाँ मंदिर नहीं था, अभी 2 साल पहले। हाँ, खाली तो मंदिर यहाँ बनाने की किसने योजना बनाई, कैसे दिमाग में आया? अब ये दिमाग में ऐसा आया कि हम पहले बाहर
मंदिर में थे, मुलाकात होती थी इनसे। कोरोना काल आया तो इनका टेम्प बिजी रहे, तो अब इन्होंने कहा कि कहाँ जाएं भगवान के पास, तो इन्हों को सबको हमारे पास आने लगे, घंटे घंटे प्रवचन होने लगे, तो इनको एक सलाह दी गई कि एक मंदिर बनाइए। हाँ, तो कोरोना आया तो भगवान जी का मंदिर बना, कोरोना नहीं आता तो मंदिर की स्थापना नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो अभी बताया है उस हिसाब से तो यही लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब फ्री थे, अभी सब लोग अपने बिजनेस वाले हैं, कोई वहाँ चला गया है, तो बाहर भी एक मंदिर है अपना, उसमें भी जाते थे पूजा करने। तो इन्होंने फिर यहाँ का, हमने कहा कि सोसाइटी के अंदर सभी लोग जो माताएं बहनें बाहर नहीं जा पाती हैं, जो बूढ़ी वाली हैं, तो उनके लिए सुविधा हो जाएगी, पास का हो जाएगा। तो ये जो मंदिर बनवाया था सोसाइटी ने बनवाया था या किसी एक मेंबर ने? नहीं, पूरे जितने मेंबर रह रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 150 फैमिली रह रही है, तो सभी ने सहयोग करके, न किसी बिल्डर का है न किसी उसका, सभी जितने नील प्रोन्स के भक्त हैं सभी का सहयोग हुआ है उसमें। आप जानते हैं कि हमारे नील प्रोन्स के भक्त हैं, बहुत ही श्रद्धा तन मन धन से सभी सहयोग करते हैं। हाँ, और जो भी कुछ ना कुछ हर मास में या हर त्यौहार में, कभी सुंदरकांड का प्रोग्राम है, कभी वो सभी धार्मिक उसमें। अच्छा, आपको जैसे आप यहाँ रहते हैं मंदिर पे, तो आपने बताया 150 फैमिलियाँ यहाँ रह रही हैं, 150 फैमिलियों में से कोई ऐसा बंदा निकल के आया जो कभी आपके साथ में गंदा व्यवहार किया हो? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो सभी जो 150 फैमिली रह रही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी, बहुत श्रद्धा भाव, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत कोई ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा। तो सभी दर्शकों को बता दूँ, सनातन धर्म के प्रति बहुत ही कम लोग जागरूक हैं, पता सबको है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जिस तक ये वीडियो पहुँच रही है, सनातन धर्म के बारे में जानें, उसको अपनाएं, उसको समझें, सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति ही सनातन धर्म है। छोटे से शब्दों में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, और चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई सवाल है और कुछ जानना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।